देखिए हमने एक लीटर दूध चढ़ा दिया है पहले से ताकि हमारा टाइम बचे और उबाल आने भी लगा है। उबाल आने उबाल आने वाला है इसमें। और इसमें हम जो है डालेंगे दो इलायची डालेंगे जिसको हमने बीच में से तोड़ लिया था। अब बॉयल आता है तो फिर हम आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। ये देखिए एक कप हमने चावल लिया जिसको अच्छे से वॉश करके हमने भिगो दिया है। कितनी देर भिगोया भाभी हमने इसको? आधा घंटा भिगोए। ठीक है, आधा घंटा भिगोया है ना। और ये एक कप हमने चीनी ली है और ये चंद दाने हमने बादाम के लिए हैं और ये हमने जो है चंद दाने हमने किशमिश के लिए हैं। ठीक है। आधा कप हमने पिसा हुआ खोपरा लिया और आधा कप हमने खोया लिया। ठीक है, दूध हमने चढ़ा दिया था उसमें बॉयल आ गया और उसमें हमने दो हरी इलायची भी डाली थी जिसको बीच में से फाड़ लिया था। और ये अब हम चीनी ऐड करेंगे, इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, हमने चावल को अब हम पीस लेंगे हैंड ब्लेंडर से। ठीक है, बारीक पीसना है मोटा पीसना है भाभी इसको? एकदम बारीक नहीं पीसना है। ठीक है, नॉर्मल पीसना है। देखिए हमने पीस लिया और इस तरह पीसा है हमने, बहुत बारीक भी नहीं है और बहुत मोटा भी नहीं है। देखिए देखिए अब हम इसमें जो चावल पीसा है वो ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कितनी देर पकाएंगे भाभी? हल्की आंच पे पकाएंगे। ये देखिए गाढ़ी हो गई है हल्की आंच पे, इसको 40 मिनट हो गए पकते हुए। अब हम इसमें पिसा हुआ खोपरा ऐड करेंगे। और ये हमने खोया डाल दिया। मिक्स कर लेंगे हम इसको अच्छे से। चूल्हा बंद कर देंगे? नहीं, चूल्हा भी नहीं बंद करेंगे हम इसको, 5 मिनट और पकाएंगे इन चीज़ों के साथ। देखिए अब इसमें हम जो है चाय का आधा चम्मच केवड़ा ऐड करेंगे। केवड़ा एसेंस डाला है जो कि भाभी दिखाना भूल गई थी, है ना भाभी? नहीं, हमने जानबूझ के नहीं, भाभी भुलक्कड़, हमने कहा कि जब डालेंगे तो जब दिखाएंगे। हाँ, मेरी भाभी भुलक्कड़ जी ने जी एक पोयम थी भैया भुलक्कड़, और अब यहाँ पे अपडेट वर्जन है भाभी भुलक्कड़। सॉरी। देखिए हमने बादाम को काट लिया है बारीक बारीक, अब हम इसमें डाल देंगे और थोड़े से हमने रोक लिए। मिक्स कर लेंगे हम इसको। रेडी है, अब हम सर्व करके दिखाते हैं आपको। ये बीच में भाभी ने बादाम लगाया। अब ये हम जो छोटा थोड़ा से हमने बचा लिया था वो छिड़क देंगे हम। और बहुत मज़े की बनी है, बनाइएगा इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और पसंद आ दिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में बहुत याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।